नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, मार्ग 6 मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, 11:40 रात्रि तक चतुर्थी तिथि रहेंगे। नक्षत्र उत्तराशा रहा पूरे दिन, जिसके स्वामी सूर्य हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे 7:44 तक, सुबह तक। उसके बाद मकर राशि में चले जाएंगे, राहु काल 2:48 पीएम से लेके 4:06 पीएम तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि, चंद्रदेव आपके दशम में बैठे हुए हैं, शनि की युक्ति में बैठे हुए हैं, काम में काफ़ी स्थिरता देंगे। चंद्रमा सूर्य के ही नक्षत्र में है, सूर्य आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, ऐसे में संतान पक्ष से परेशानी हो सकती है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं उन्हें आज काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ हैं। जो व्यक्ति होटल का व्यवसाय करते हैं, ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, उन्हें लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। संतान से भी आज थोड़ी परेशानी होने की संभावनाएं प्रबल हैं आपको। आय भाव में बृहस्पति आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, आय भाव में बृहस्पति आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, और आय भाव से बृहस्पति आपके नवम स्थान को देख रहे हैं। तो बृहस्पति काफ़ी रक्षक हैं आपके लिए। बृहस्पति आपके भाग भाव के स्वामी हैं, आय भाव में बैठे हुए हैं, तो आमदनी तो होती ही रहेगी, आमदनी में कोई कमी नहीं होगी। दिन उन व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है जो सरकारी नौकरी करते हैं, पुलिस में है, सेना में है, प्रशासन में है, वे सारे काम को सोच समझ के करेंगे और कोई भी अनैतिक काम न करेंगे तो दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या हंग हनुमन्ते नमः, हंग हनुमन्ते नमः का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं, जो 7:44 सुबह तक अष्टम स्थान पर रहेंगे। उपरांत आपके नवम स्थान में चले जाएंगे 7:44 के बाद, और सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। व्यापार में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं, बिजनेस से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। लेकिन मंगल और सूर्य, केतु, बुध, ये 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यवसाय में तो लाभ दिलावेंगे, दाम्पत्य जीवन से थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको, स्त्री पक्ष से निराशा होगी आपको, पार्टनरशिप से भी थोड़ी निराशा हो सकती है, पार्टनर भी आपका साथ छोड़ सकते हैं या दगा कर सकते हैं पार्टनर आपसे। तो व्यापार में लाभ होने की संभावना है, जो जमीन के काम करते हैं, जो दबा का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। लेकिन जीवन साथी की परेशानी से आप परेशान हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है, स्त्री पक्ष से भी आपको नुकसान हो सकता है। बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल के ही नक्षत्र में हैं, मंगल आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, कार्य क्षेत्र में फायदा होगा लेकिन पार्टनरशिप में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। यात्रा का योग है, यात्रा आपके होंगे, लेकिन यात्रा 7:44 सुबह के बाद ही करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। आज के दिन आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र की युक्ति में बैठे हुए हैं, धनु राशि में बैठे हुए हैं, और 7:44 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके अष्टम स्थान में मकर राशि में, सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। 7:44 के बाद किसी भी तरह का यात्रा को आप वर्जित करें। 7:44 के बाद आपका दिन कहीं से भी अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव में रहेंगे आप, कुछ सामान की चोरी वगैरह भी हो सकती है आपकी, कर्ज लेने की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि शत्रु पक्ष पर आप काफ़ी बली रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकते हैं,
लेकिन कर्ज लेने की भी स्थिति आपकी पैदा हो रही है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प योग लगा हुआ है वो काफ़ी सावधान रहें, क्योंकि गोचर में भी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। तो मिथुन राशि वाले, दिन आपका बहुत अच्छा नहीं है, बृहस्पति देव आपकी रक्षा कर रहे हैं, बृहस्पति देव नवम स्थान में बैठे हुए हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके तृतीय स्थान को देख रहे हैं और आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं, जिसके कारण संतान पक्ष से आपको निराशा नहीं होगी, संतान पक्ष से आपको कुछ खुशी मिलेगी। लेकिन 7:44 सुबह के बाद किसी भी तरह का यात्रा करना आपके लिए जोखिम भरा होगा। कर्ज की स्थिति में आप रहेंगे तो मेहनत करें, हालांकि आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति देव ही हैं और अपने स्थान से बाड़मेर में बैठे हुए हैं, तो काम धाम के भी क्षेत्र में परेशानी आपको होगी। आज के दिन आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, अनार का रस चढ़ाएं या ईख का रस चढ़ाएं और हरिम शिवाय नमः हरिम, हरिम शिवाय नमः हरिम, हरिम शिवाय नमः हरिम मंत्रों का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन 7:44 के पहले चंद्रमा आपके छठे स्थान धनु राशि में रहेंगे। 7:44 सुबह के बाद चंद्रदेव चले जाएंगे मकर राशि में और सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आय भाव को देख रहे हैं, मंगल आय भाव को देख रहे हैं, केतु आय भाव को देख रहे हैं, बुध आय भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आज आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा, सरकारी नौकरी करने वाले को काफ़ी प्रमोशन और तरक्की मिल सकती है, सरकारी नौकरी करने वाले को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी उनका हो सकता है। आज के दिन आप काफ़ी लग्जरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों से थोड़ी झंझट भी आपको हो सकती है, उससे झंझट से थोड़ा दूर रहें वरना थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति पुलिस में है, प्रशासन में है, उनके के लिए दिन बहुत ही शानदार है, काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। आज के दिन थोड़ा आलस में आप ज़्यादा रहेंगे, आलस होने के कारण आपको थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, तो आलस को त्यागें और कर्म क्षेत्र में लग जाएं। कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, अपने स्थान से अष्टम में बैठे हुए हैं, संतान पक्ष को थोड़ी चोट लगने की संभावनाएँ होंगी, संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी की संभावनाएं आपको होंगी। आज के दिन आपके संतान आपकी मर्जी के खिलाफ भी प्रेम विवाह कर सकते हैं, तो ऐसे में दिन आपका अच्छा है। बृहस्पति भी अष्टम में बैठे हुए हैं आपके, बृहस्पति द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति से धन मिलने की संभावनाएं होंगी। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके बारहवें स्थान को देख रहे हैं, खर्च में थोड़ी कमी होने की संभावनाएँ होंगी, लेकिन पेट में पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम होने का, लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने का संभावनाएं प्रबल रहेगा। दिन आपका अच्छा भी है, बुरा भी है, मध्यम भी है, अपने कर्म से दिन को, अपने पराक्रम से दिन को और बलि बनाएं। आज के दिन गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंगलवार का दिन है, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि, चंद्रदेव आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं 7:44 सुबह तक। 7:44 के बाद चंद्रमा चले आएंगे आपके छठे स्थान पर मकर राशि में। चंद्रमा आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं, त्रिक भाव के स्वामी त्रिक में बैठे हुए हैं। आज के दिन यात्राएँ बहुत होंगी आपकी, बहुत सारे कर्ज का रिपेमेंट भी आज के दिन आप कर सकते हैं। मंगल, केतु, बुध और सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठ के आपके दशम स्थान को देख रहे हैं, जहां राहु पहले से मौजूद हैं, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है। जो व्यक्ति प्रशासन में है, सेना में, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उमदा समय है। पराक्रम आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, पुलिस और सेना वाले लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएँ प्रबल होंगी, संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। पंचम स्थान में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं, शुक्र भी सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको थोड़ी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो अपने खान पान पर ध्यान दें, ऐसे व्यक्ति जिनको हृदय रोग का प्रॉब्लम है
वो भी अपने खान पान पर ध्यान दें, वरना थोड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बृहस्पति देव सप्तम स्थान से बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं, तो मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है। बृहस्पति देव तीसरे स्थान को देख रहे हैं, यात्रा का योग बहुत प्रबल कर रहे हैं। संचार माध्यम से आपको काफ़ी फायदा होने की संभावनाएं हैं। दिन बहुत ही शानदार है आपका। आज के दिन सूर्य को जल चढ़ावें तथा हनुमान मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा। दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान पर धनु राशि में, और 7:44 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके मकर राशि में पंचम स्थान पर। तो 7:44 तक कोई भी यात्रा न करें। सुबह 7:44 के बाद जहाँ भी यात्रा करनी है आप आसानी से कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। शनि और चंद्रमा दोनों देख रहे हैं आपके एकादश स्थान को, लाभ की स्थिति बहुत ही प्रबल है आपका। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन से रूखापन आपका रह सकता है। मंगल, केतु, सूर्य और बुध आपके प्राकर्म भाव में बैठे हुए हैं, भाग भाव को देख रहे हैं, तो प्राकर्म आपका बहुत ही शानदार है। मंगल की दृष्टि आपके छठे स्थान पर भी पड़ रही है जहाँ बृहस्पति देव मौजूद हैं। अब बृहस्पति खुद मंगल की नक्षत्र में है। बहुत सारे कर्ज का रिपेमेंट आप आसानी से कर सकते हैं आज के दिन, तो दिन आपका बहुत ही अच्छा है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, घर के सजावट का सामान आप खरीद सकते हैं। संतान पक्ष से आज लाभ हो सकता है आपको, संतान के अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। राहु आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं और काल सर्पयोग का निर्माण यहीं से हो रहा है। गोचर में काल सर्पयोग बने हुए हैं, तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्पयोग लगा हुआ है वो आज के दिन शिवलिंग पर 3 तांबे का नाग नागिन चढ़ाएं और दूध से अभिषेक करें, गाय के कच्चा दूध से, काफ़ी लाभ मिलेगा। दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं धनु राशि में तृतीय स्थान में शुक्र के साथ, 7:44 में चंद्रमा चले जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में शनि के साथ। तो जो भी यात्रा अगर आपको करनी है तो 7:44 के पहले ही यात्रा शुरू कर दें। 7:44 के बाद यात्रा करने का विशेष योग नहीं है, जिसके कारण आपको यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति देव पंचम में बैठे हुए हैं, एकादश को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं, आपका लग्न को देख रहे हैं, भाग बहुत ही प्रबल है आपका। आय की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी आपके, मान सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगा, पैतृक संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनी हुई है, मगर एक आंख में प्रॉब्लम होने का समय है, तो आंख के डॉक्टर से मिले। गर्दन में आपको प्रॉब्लम होने का स्थिति बनता है, तो डॉक्टर से मिले आप। शुक्र आपके तृतीय स्थान में बैठ कर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, घूमने फिरने का काफ़ी प्रोग्राम्स रहेगा। कुल मिलाकर दिन आज आपका बहुत ही शानदार है। आज के दिन आप सूर्य को जल चढ़ावे और शुक्र के मंत्रों का जाप करें। ओम द्रौम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः, ओम द्रौम द्रिम द्रौम स शुक्राय नमः। दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके द्वितीय स्थान में धनु राशि में, और 7:44 सुबह के बाद चले जाएंगे तीसरे स्थान में मकर राशि में। सूर्य के ही नक्षत्र में रहेंगे, सूर्य आपके लग्न में बैठे हुए हैं, काफ़ी मान प्रतिष्ठा आपको मिल रहा है। मंगल भी बैठे हुए हैं साथ में, क्रोध भी बहुत ज़्यादा रहेगा, काफ़ी क्रोधित रहेंगे आप, क्रोध को कम करें आज के दिन। स्वाभिमान आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, मारपीट करने से आज के दिन बचें आप, किसी से झंझट और मारपीट करने की नौबत आएगी। घूमने फिरने का आज काफ़ी शौक होगा, घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बनाएंगे, अच्छे अच्छे होटल में खाने का प्रोग्राम आप बनावेंगे, जिससे काफ़ी आनंदमय रहेंगे आप। शुक्रदेव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, पैतृक संपत्ति का फायदा करा रहे हैं आपको। शुक्रदेव सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं, स्त्री पक्ष से भी काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान देंगे, जीवन साथी से थोड़ी परेशानी रहेगी। राहु बैठे हुए हैं सप्तम स्थान पर, और जीवन साथी हाउस के स्वामी शुक्र अपने स्थान से अष्टम में बैठे हुए हैं,
तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से आज परेशानी हो सकती है आपको, उस पर आप ध्यान दें। बृहस्पति देव चतुर्थ स्थान पर बैठ के दशम स्थान को देख रहे हैं तो काम धाम के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति देव आपके बाड़मेय स्थान को देख रहे हैं, ऐसे में खर्च की काफ़ी कमी हो जाएगी आपके, बहुत ही सोच समझ के आप खर्च करेंगे। कुल मिला के दिन आज बहुत ही शानदार है। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाके कम से कम 11 बार, काफ़ी लाभ होगा आपको। या हंग हनुमन्ते नमः, हंग हनुमन्ते नमः, हंग हनुमन्ते नमः, लाभ ही लाभ होगा। दिन बहुत ही अच्छा है आपका, दिन शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव आपके राशि पे ही बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, धनु राशि में सूर्य के नक्षत्र में है। 7:44 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके मकर राशि में, जो आपके द्वितीय भाव की राशि है, धन भाव की राशि है। आज के दिन काफी धन को एकत्रित आप कर सकते हैं, जमा पूंजी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है आपकी, बहुत ही रोमांटिक मूड में रह सकते हैं। दिन अच्छा है आपका। व्यापार भाव के स्वामी बुध मंगल के साथ, केतु के साथ, सूर्य के साथ बाड़मेय हाउस में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप से कुछ नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं, व्यवसाय में भी थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन जो विदेश से काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होने की संभावनाएं हैं। गोचर में 6 स्थान से ही आपका काल सर्प योग लग रहा है, धन की प्राप्ति होगी। राहु काफ़ी धन दे रहे हैं, कर्ज से मुक्ति आपको दे रहे हैं। बृहस्पति देव तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव तृतीय स्थान से 5वें स्थान को देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप से जो नुकसान होगा बृहस्पति देव उसको कुछ भरपाई करेंगे। बृहस्पति देव आपके 9वें स्थान को देख रहे हैं तो थोड़ा पूजा पाठ पर भी आपका ध्यान जाएगा। बृहस्पति देव तृतीय स्थान से आपके 12वें स्थान को देख रहे हैं तो आय के स्रोत तो आपको खुलेंगे ही। कुल मिलाकर धनुराशि वाले जो विदेश से काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, आपकी पूंजी में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप पे थोड़ा सा ध्यान दें, पार्टनरशिप से थोड़ी परेशानी हो सकती है, पार्टनरशिप के व्यवसाय से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें और 11 बार हनुमान चालीसा का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ धनु राशि में, और 7:44 सुबह के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके लग्न में, तो कोई भी यात्रा करनी हो आपको तो 7:44 के बाद ही यात्रा करें। 7:44 के पहले यात्रा करना आपके लिए अनिष्टकर हो सकता है। 7:44 के बाद यात्रा आपका काफ़ी सफल होगा। चंद्रमा लग्न में रख के आपको काफ़ी कूल कर रहे हैं, काफ़ी नॉर्मल बना रहे हैं, लेकिन कुछ बदला लेने की भावनाओं आप में प्रबल रहेंगी, किसी से बदला लेने की भावना आप में प्रबल रहेंगी, तो वो सब भावना त्यागें। चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आय भाव में बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी करने वाले को बेहिसाब लाभ होगा, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत अच्छे ढंग से होगा। जो व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, चंद्रमा उनके 7:44 के बाद पार्टनरशिप हाउस को देखेंगे, जो उनका स्वयं का राशि है, तो पार्टनर से भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। बृहस्पति देव आपके जमा पूंजी को बढ़ा रहे हैं, बृहस्पति देव भी मंगल के नक्षत्र में हैं, मंगल आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन भाव और आय भाव का बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ है, दिन बड़ा ही शानदार है आपका। शनि की साथी चल रही है, शनि भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, ऐसे में आप आज के दिन दुर्गा सप्तशती के कवच अर्गला और कीलकम का पाठ करें और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करें, काफी लाभ होगा आपको, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव आपके बैठे हुए हैं आय भाव में, 7:44 तक आय भाव में रहेंगे, 7:44 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे आपके व्यय भाव में बाड़मेय स्थान पर, तो 7:44 तक कोई भी यात्रा आप कर सकते हैं। 7:44 के बाद कोई भी यात्रा न करें, नुकसान होने की संभावना है, मन बहुत ही सुस्त रहेगा आपका। दिन तो मंगलवार है लेकिन मन बहुत सुस्त रहेगा। मंगल, सूर्य, केतु, बुध सारे बैठे हुए हैं आपके 10वें स्थान में,
कर्म क्षेत्र बड़ा ही प्रबल रहेगा। पुलिस में है, सेना में है, सरकारी जॉब में है, प्रशासन में है, दिन आपके लिए बेहतरीन है। सरकार से काफ़ी उपलब्धि मिलेगी आपको, प्रमोशन मिलेगा आपको। व्यापार भाव के स्वामी सूर्य आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो पार्टनरशिप के व्यापार से भी फायदा होगा, आपके भी व्यापार से फायदा होगा। व्यापार से काफ़ी आपको मान सम्मान मिलने वाला है। राहु बैठे हुए हैं आपके चतुर्थ स्थान में, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आज का दिन बड़ा ही शानदार है। बृहस्पति देव लग्न में बैठकर आपके पंचम संतान भाव को देख के संतान भाव में अच्छी योग्यता ला रहे हैं, संतान भाव से अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सप्तम स्थान को देखते हुए सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुख ला रहे हैं, व्यापार में काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं। नवम दृष्टि से नवम भाव को देखते हुए आपके धर्म भाव को काफ़ी प्रज्वलित कर रहे हैं और भाग की काफ़ी वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव। खर्च में भी आज कमी देखी जाएगी आपको, क्योंकि आज के दिन आप बहुत ही सुस्त रहेंगे। तो दिन आपका बहुत ही अच्छा है, शनि की सारी साथी चल रही है, तो आज के दिन सुंदरकांड का ही पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का पाठ करें। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, हंग पवन नंदनाय स्वाहा। काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हुए हैं धनु राशि में, 7:44 के बाद चंद्रमा आय भाव में चले जाएंगे। तो 7:44 के बाद चंद्रमा आय भाव में चले जाएंगे और सूर्य के ही नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। बहुत ही सुंदर समय है आपका, आय की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी, भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, भाग से भी आय मिलेगी आपको, काफी रोमांटिक मूड में आप रहेंगे तथा बहुत सारे सजावट का सामान, बहुत सारे लग्जरी सामान, बहुत सारे गैजेट्स खरीदने की कोशिश करेंगे और खरीद भी लेंगे आज के दिन आप। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। राशि भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं बारहवें भाव में। बृहस्पति भी मंगल की नक्षत्र में है, मंगल भी भाग भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। किचन वगैरह में जाने से, अग्नि से आपको दूर रहनी होगी। जो व्यक्ति जमीन का काम करते हैं, जो व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले, आपके लिए समय बहुत ही शानदार है। विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करना ही आपके लिए श्रेष्ठ होगा तथा 11-12 मंगलवार का दिन है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफ़ी लाभ देगा दिन आपका शुभ हो।